ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों के बीच यूपी सरकार ने जारी की नई गाइडलाइन। भारत में कब पीक पर होगा ओमिक्रॉन का खतरा? ओमिक्रॉन को रोकने के लिए क्या फिर पड़ेगी भारत में लॉकडाउन की जरूरत? नमस्कार, स्वागत है आपका खरबाजी के इस अड्डे पर। कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर लगातार सतर्कता बढ़ती जा रही है। केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों को पहले ही निर्देश जारी कर दिए हैं, तो राज्य सरकारें भी अपने अपने स्तर पर कदम उठा रही हैं। इसी क्रम में उत्तर प्रदेश सरकार ने सभी जिलों को सतर्कता व सावधानी बरतने के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। बॉर्डर पर सतर्कता। नए निर्देशों के मुताबिक अब उत्तर प्रदेश में विदेश से आने वाले सभी यात्रियों की आरटीपीसीआर जांच करवाने के अलावा हर एक संक्रमित मरीज के सैंपल की जीनोम सीक्वेंसिंग कराई जा रही है। एक बयान के मुताबिक दूसरे राज्यों में ओमिक्रॉन के मामलों की पुष्टि होने के बाद उत्तर प्रदेश सरकार राज्य की सीमाओं पर सतर्कता बरत रही है। ओमिक्रॉन को रोकने के लिए क्या फिर पड़ेगी भारत में लॉकडाउन की जरूरत? डेल्टा वेरियंट से 3 गुना तेज ओमिक्रॉन, वैक्सीनेट लोगों पर भी ओमिक्रॉन का असर। नए वेरिएंट को पिछले डेल्टा वेरिएंट से ज्यादा खतरनाक बताया जा रहा है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि ओमिक्रॉन वैक्सीनेटेड लोगों पर भी असर कर रहा है। ऐसे में कहीं शादियों का मौसम, पार्टीज और बाजार में बढ़ती भीड़ एक बार फिर लोगों को तबाही के मोड़ पर ना ले जाए। इस बारे में वायरोलॉजिस्ट डॉक्टर दीपक आचार्य ने कहा, ओमिक्रॉन से निपटने का लॉकडाउन एकमात्र विकल्प नहीं है। इससे ज्यादा जरूरी है कि लोग व्यक्तिगत रूप से खुद को सतर्क रखें, बेवजह घर से बाहर ना निकले। लॉकडाउन से ज्यादा सेल्फ रिस्ट्रिक्शन आपको वायरस से बचाएगा। कोविड टास्क फोर्स के सदस्य डॉक्टर राहुल पंडित ने इसके बारे में कहा, कोरोना के नए वेरिएंट के मामले में सामने आने वाले लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। इसके नए मामले पकड़ में आना भारत के लिए अच्छी बात है। ऐसा करके हम इसे कम्युनिटी में फैलने से रोक सकते हैं। इस खतरे से बचने के लिए चेहरे पर अच्छे से मास्क पहनिए। बाहर निकलने से पहले आप डबल मास्क पहन सकते हैं। इसके अलावा जिन लोगों ने वैक्सीन डोज नहीं लिए हैं, वो जल्द से जल्द इसे लगवा लें। कब आएगी पीक? कोरोना वायरस का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन तेजी से भारत में पैर पसार रहा है। इस नए वेरिएंट का ट्रांसमिशन रेट बहुत ज्यादा बताया जा रहा है। हालांकि डॉक्टर त्रेहन का कहना है कि हालात बिगड़ने से पहले सरकार ने वायरस को फैलने से रोकने की अच्छी शुरुआत की। ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।